राधे राधे कुड़ी फंसा दे मगर शादी करा दे। कोई हमें क्या कहता है ब्याज जी? क्या कहता है? कि कोई रड़ुआ कहता ही कोई उड़रा समझता ही, मगर रड़ुवी की बेचैनी को बस रड़ुआ समझती है। तुझसे दूर कैसा है मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता ही ये मेरा दिल समझता ही। कहा भी गया क्या कि शकल पदार्थ है जग माही, अबिना मेहरिया के घर नहीं। जिस घर में नारी का वास नहीं उस ब्याज जी उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं है। हमारे घर में सब कुछ भरा पड़ा है, सब भरा, सब कुछ भरा पड़ा है, सब में जैसे क्या बड्डे बड्डे पलंग पड़े हैं खमसार में, पलंग बड्डे बड्डे पलंग पड़े हैं बरामदा में, को ऊपर आइए नहीं आए। बोरन रजाई का दबक सम धरे धरे दिया खाए जाते, कौआढ़े वाला नहीं है। 50,000 की छेरीला है बकरी, हाँ खूंटम बांधे पलहान ठाड़ी, कौ दुहे वाला नहीं आए। रड़ुआ का दुख रड़ुआ जाना थे। हाँ बात सही है। जेता पटेल नगर का रड़ुआ हुई वो तुमका रोड के किनारे शाम के 9 बजे के बाद चौराहे में घूमत मिली, ये पहचान है। जैसे नहा साढ़ ये पक्की पहचान ना बताओ था। और वहीं से मोबाइल निकाली, वहीं से मोबाइल निकाली और नंबर डायल करी 0092 धीरे धीरे जाए 92 32 छुआ के 36 कही हेलो। अरे लागत है कार्यक्रम कहीं से ले आए, बड़ी समस्या है बैठ जी, बोरन टेपरन क्या लिपस्टिक, अच्छा हाँ चाहिए तू ना पसे दिखा, नहीं नहीं बोरन लिपस्टिक मोरे घर में धरे धरे भंडा रही, कौ आगे वाला नहीं आए। इतनी लिपस्टिक कहाँ पाए हो तू? मेला से ले आए हो? जब उन्हें मेला जा तो वही मेला से मल लेके चला वो तो कहो चलो मोरे घर वाली का लिपस्टिक हो जाए, लिपस्टिक हो जाए, बिंदी हो जाए, टिकली हो जाए, मगर खरीद लावत हूँ और धर दिया था और शीशा में देखत रहा था कि जब का बताऊ। तो जब मैं एक लिपस्टिक उठा के गपा कर लिया जैसे टॉफी चॉकलेट तो खा लिया था नाश्ता के रूप में। कुछ पानी जी कहना चाहते हैं? और ये आ गए हमारे मगन सिंह चौहान जी जो आप बांदा से उपस्थित हुए हैं राजा साहब, उनके द्वारा यह 101 रुपए तुम्हारे विवाह का व्यवहार प्रदान किया गया। ये व्यवहार लिख ले यार। नहीं लिख रहा हूँ मैं तुम्हारा व्यवहार, ये व्यवहार लिख ले। क्यों? मान लो ब्याह ना भा, वही तो सोच रहा हूँ विवाह नहीं हो तो व्यवहार कैसे अदा करोगे? पहले मैं अपन अपने जिंदन में तेरा ही कही हूँ तेरा ही, हाँ वही मैं सबका व्यवहार अदा कही दे। बारात जई ब्याजी, बारात जई चाहे जनवास जाए चाहे बिटौरा मगर बारात जई। एक दिन मैंने अपने बप्पा से कहा, मैंने कहा पिता श्री, तो बप्पा ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, बड़े प्रेम से जवाब दिया, कहे क्या है? मैंने कहा मेरी जवानी भरभरा रही है। तो बप्पा ने कहा बेटा यह तुम्हारी जवानी भरभरा रही है तो मुंह पर नहीं भी फड़फड़ा रही है। मैंने कहा दूर टच माई बाडा, दूर से बात करो, लड़का सयान हो गया नहीं भौहें बना दूंगा, मना कर दिया है? एक दिन मैंने पप्पा से कहा, एक दिन बोल पड़े पप्पा से, अरे पप्पा करीबे हम हूं शादी, अरे पप्पा बोले कि संग मां हम कहा उई बैठी घर मां बूढ़ी दादी, अरे पप्पा बोले साले तू बड़ा निकम्मा है और जिनके संग शादी करन कहत
तो लगती हमारी अम्मा है। हम कहे बने काम बने पूरी जले चूल्हा, तुम हमारी अम्मा की दुल्हा तो हम तुम्हारी अम्मा की दुल्हा। बापा ने सात नंबर पर नहीं उतारा, तीन चाटे बहोर दिया। मैं रोते रोते भोले बाबा के दरबार में आया और मुझको प्यास लगी थी, मैंने एक बाल्टी उठाया और हैंड पाइप की ओर पहुंचा तो मैं का देख की बिटिया मेहरिया बाल्टी छोड़ छोड़ भाग गई। ऐसा क्यों? काती भागो नास कटा हुआ रड़ुआ आ गया। जैसे मैं कोनो रड़ुआ नहीं, मैं कोनो आतंकवादी हूं का। बड़ी विलंबना है ब्याज जी। जब मैं पहुंचे तो काते भागो नास कटा रड़ुआ आ गया तो हे भगवान, तुम मही का अगले जन्म में मनुष्य का जीवन न दे हो और क्या दे, चाहे कुकुर बना दे हो, और अगर मनुष्य का जीवन बनायो तो रड़ुआ ना बनायो, और अगर रड़ुआ बनायो तो रड़ुआ चाहे बनायो चाहे ना, मगर हैंड पाइप बना दे मही का, ये ठीक रही। हैंड पंप क्या करोगे, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे वही बहाने मही का मेहरिया बेटी में छुई तो ले हाय, कम से कम 10-20 बाल्टी पानी तो धोंक दे हाय। ये बात है, औका शादी होए मेहरिया चाहे लंगड़ी होए चाहे लूली होए चाहे कानी हो चाहे खुतरी होए, इनमें कोई फायदा मिलेगा क्या? चार प्रकार की मेहरिया, चार प्रकार का फायदा क्या है? जैसे मान लो मेहरिया डिसबैलेंस है एक पांव से, तो जब चलेगी मधुरिया चाल में ऐसे, तो अपनी मेहरिया का नहीं मतलब लंगड़ी मेहरिया का आगे कह दो, और तुमका तामेश्वर बाबा का मेला घूमने जाना है शिवरात्रि का, अब बड़ी भीड़ लगती है तो फौरन लंगड़ी मेहरिया का आगे कह दो और तुम हो जाओ पाछे। जब तुम्हार मेहरिया चली तो आधी पब्लिक मेला की इधर हो जाए और आधी इधर हो जाए, बीच में जीटी रोड खाली हो जाए, तुम जे महा डर पूरा मेला घूम के आ जाओ। पहला फायदा। दूसरा फायदा, मान लो मेहरिया लूली है, ए बाबू 2 रुपया दे दे भगवान तो भला करे, पो फटहा बोरा पहना के हाथे में एठे कटरवा दई के अब बैठाया मंदिर में, यही हनुमान जी वाले मंदिर में बैठा दे संकट मोचन में, तो सवेरे से लेके शाम तक मां पैसा का पैसा, कमाई की कमाई, कमाई की कमाई, लुगाई की लुगाई। ये फायदा। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, मान लो मेहरिया का एक इंडिकेटर फ्यूज है, हाँ तो तुमका जो है जो तुम्हारा दुश्मन हो, कोर्ट कचहरी का केस चलत हो तो हुआ सुबेरे वही के दुआरे ठड़काई दे अपनी मेहरिया का। अच्छा दरवाजा खोली कहे जय हो प्यारा सा जाहे तेरा द्वार भवानी, तो कहिए अरे केस हार गए। हाँ तो मैंने भोले बाबा से प्रार्थना किया, अरे ओ मोरी भू, अरे ला भंडारी, अरे पार्वती हम री महतारी, अरे ले ले हमरी खबरिया, हम का दई दे मेहरिया हो, हम का दई दे मेहरिया। सबकी दुआरिया लिपी पोती, सबकी दुआरिया। और भाई ये देखिए, ये आ गए श्री आदित्य शुक्ला जी, इन्होंने हमसे विशेष रूप से कहा है
कि पेटू राजा की बारात में हम भी चलना चाहते हैं जी जी, और 101 रुपए का पुरस्कार पेटू राजा के लिए और 1000 रुपए इन्होंने कमेटी के लिए भी प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शुक्ला जी का। वाह, सबकी दुवरिया लिपी पोती, सबकी दुवरिया लिपी पोती, हमरे मामू ते कुकरिया, हमका दई दे मेहरिया हो, हमका दई दे मेहरिया। ये देखिए भाई जीतू मिश्रा जी तो बड़े ही तो इनका नाम है हंगामा है, जीतू हंगामा। और आपके अंकल जी ये जीतू हंगामा जी जो अभी शाम को सम्मान हुआ था हमारे आदरणीय श्री दुर्गादत्त मिश्रा जी जो रारा के हैं उनके नाती हैं। अरे वाह भाई वाह, यानी तीसरी पीढ़ी भी रामलीला में आ गई। वाह, प्रभावित हुए हमारे परम सहयोगी हमारे ट्रस्ट के सदस्य श्री बलराम सिंह जी ठेकेदार। 101 रुपए आपने पेटू राजा के लिए प्रदान किया और 201 रुपए सामूहिक रूप से व्यासपीठ जनार्दन तिवारी जी के लिए तबला वादक नाल वादक 201 रुपए चारों लोगों के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बलराम सिंह जी का। व्यास जी होरी का त्योहार आवत, और होरी के त्योहार आवत का निकरिगा निकल गया सही है। मोरो मन कर दे अपने भौजाई के साथे रंग खेल लग, पैसा फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं बचे रहे हो व्यास जी, मोरो मन कर दे कि अपनी भौजाई के साथे रंग खेल ले आऊं, तो 5 रुपया का रकम फंसा के कौन सा रंग हरेवा वाला एक बाल्टी में घोर लिया था और लेके पहुंच जात हूं अपने भौजाई के पास। कौन भौजी? अरे लंगड़ी भौजी। हाँ हाँ जानते तो हो, जब पहुंच जात तो दुआरे भैया पर रहा था, तो कहते कसे यार कहाँ जात, मैं कहो जात भौजाई के साथे रंग खेल, कहे का मतलब है, कहे चल दूरी, मैं कह दूध काट दी जैसे कोनो कुकुर आपन में मुंह हंसले के चला आओ, जैसे मुंह कुकुर हंस तो चला आओ तू, और रंग की बाल्टी का अपने आंगने में धक दिया था। रंग हैरत है मोरे कहती का, मैं हैरत हूँ रंग कहती का, जब मैं इसे बर्दाश्त नहीं हुआ था है, तो रंग की बाल्टी का मैं अपनी खोपड़ी से उड़ेल लिया था। अब एक दिन मैंने अपनी दादी से कहा, मैंने कहा दादी मैंने कहा ए दादी मेरी शादी करा दे, तो दादी ने क्या कहा, दादी के हमारे मुंह में दांत नहीं पेटे मात नहीं, अरे ए दादी भौरी पर आई दे, ए दादी भौरी पर आई दे फिना आई है जवानी, जैसे बाल नहीं है पाउडर का जी करता है, गालो जैसे गाल नहीं है पाउडर का जी करता है, ए दादी ए दादी ए दादी प्यासन लगाई लिया बिना आई है जवानी, ¶¶
की शादी कराई दिया फिना आई है जवानी हो गए। कोई भी पत्र हमारे दरबार में नहीं आया। मिस्टर 11 12 13 36 मिस्टर 11 12 13 हमारे समीप आओ। कोई पत्र आया, कहां से आया, कौन लाया, किसने ले भेजा, पेश किया जाए। कहां से आया है? मिथिला से आया। कौन लाया है? अरे आ गया है डाक द्वारा। अच्छा, ये पत्र है, ये कहे का है? कागज का है। ये क्या है? का है कागज का है का? वो तो मैं आंधा आंधा नहीं दिखा रहे मुंह का। फिर क्यों पूछ रहा है? ये कहे का है? ब्याहे का है कि तेरा ही का है? शादी का है। ये पीले पीला का है लाग? हरदिया लाग। हरदिया लाग। हां क्यों रहे हो? उसको सूंघ क्यों रहे हो? यह हल्दी लगी। हल्दी में क्या है? तुम्हें क्या लग रहा? मुझे तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लग रहा कि कोई अपने महतारी जो है लड़िया की सर्विसिंग कहीं किया थे किसी। अच्छा। वही हगीसा है पर ही पीला पीला लाग है, इसीलिए सूंघ रहा है। हाँ सूंघ तुम सूंघ ले एहरिया भागी। अच्छा यहाँ लिखा है, ओहो सड़ी गली अमली का पना। सड़ी गली अमली का पना। और अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, ठीक से देखो, ठीक से। सड़ी गली अमली का पना। श्री गणेशाय नमः। ये बात राजा साहब आपकी आंखों में लग रहा है मोतियाबिंद हो गया है। क्या लिखा है यार? श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। यहाँ लिखा है यहाँ सभी चमार अच्छे हैं। कोई मारेगा बहुत। क्यों मारेगा? अगर किसी का फालतू में यहाँ नाम लोग, जिसमें लिखा है यहाँ के सभी समाचार अच्छे हैं। यहाँ के सभी समाचार अच्छे। समाचार है ये? अब मैं कहूँ फतेहपुर के सब चमार आए अच्छे। कृपया पन्ना घुमाइए। हमारे यहाँ बहुत पुराना मनुष्य रखा है। आप इतनी दूर से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको नेरे से कम दिखाई देता है। अच्छा ये बताओ। हाँ। ये आमंत्रण पत्र है। हाँ। इसमें लिखा है हमारे यहाँ बहुत पुराना मनुष्य रखा है। मनुष्य नहीं है वो। किसका मनुष्य है? धनुष है। ये किसका मनुष्य है यार? मनुष्य नहीं है राजा साहब। फालतू बात न करना यार तुम। गरमा कह रहे हो? नहीं फालतू बात न करना। गरमा कह रहे हो? कहाँ गरमा रहा हूँ। ये क्या है? शादी करा दे भैया। हो ना पाएगी इस तरह में शादी। भैया छूटने वाली है भैया। ना हटो बात न करो, अब जाओ ये पत्र को लेकर चाटो। नाराज क्यों होते भैया? सुनो तो। उजेरे में जो है उजेरे में कहे अंधेरे में दिखाई दे रहा क्या? कैमरामैन फोकस करो। कहाँ लिए कहाँ जा रहे हैं? कैमरामैन फोकस करो। सुनो झुकेगा नहीं साला। सुनो तो राजा साहब, इसमें ये है ये बहुत पुराना धनुष। अच्छा, धनुष अजगौ। धनुष माने अजगौ। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत पुराना धनुष। अच्छा अच्छा धनुष। हमारी लड़की कुंवार में बैठी है। ऐसे कुंवार में नहीं, ऐसे कहीं तो कार्तिक में बैठ जाए यार। वही तो कुंवार नहीं कार्तिक में बैठी है, कुंवारी बैठी है। कुंवारी? हाँ अभी लड़की कुंवारी है। अभी कुंवारी है तभी तो। कुंवारी माने? कुंवारी माने शादी नहीं हुई है। अच्छा हाँ। आप तो कई भाषाओं से निर्मित हैं। Yes, my God. विदेशी है। कांगरू प्रदेश के राजा हैं। बालों से समझ में आ रहा है कि आप विदेशी हैं। अच्छा ये बताओ। हाँ। इसमें लिखा है हमारी लड़की का सितंबर हो रहा है। सितंबर नहीं, के बाद कह दो अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। अरे स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर। स्वयंवर माने? स्वयंवर माने कि जो भी जो कार्य जो वेद रखा गया है। हाँ। जो अवलंब रखा गया है अजगौ को जो भी तोड़ेगा। हाँ। उसी के साथ सीता जी का स्वयंवर किया जाएगा। जो अजगौ को तोड़ेगा। हाँ उसी के साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। उसके सीता के साथ विवाह हो जाएगा। और क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? मटोर दिखाऊंगा। अरे तुम तो गया कर दो। पूरी सीलिंग का तोड़ रही हूँ। सीलिंग तो तोड़ दोगे। हाँ धनुष का है। इसमें लिखा है
राजा साहब को मुक्का लात पहुंची, मुक्का नहीं तो लात पहुंचा, मुलाकात लिखा हुआ है। हाँ, राजा साहब को मुलाकात पहुंची। मैं कहूं पहले से बियाव नहीं भाई, पहले से लात घूंचा हुए लगी का। ठीक, कृपया पन्ना घुमाइए। इतने पन्ना क्यों घुमा रहे हैं आप? इसमें लिखा है, भेज रहा हूँ। वाह यार, बहुत बढ़िया लिखा है। भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण बंधुवर तुम्हें बुलाने को, यदि असील बाप का है तो भूल न करना आने को। ये क्या भेज दिया? अरे यार, इसमें लिखा है यदि असील बाप का है तो भूल। अरे असली बाप नहीं तो नकली, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं, अपने मन से बनाए पड़े हो। विवाह करने का विचार नहीं है तुम्हारा, नहीं। सुनो, इसी में तो नहीं तुम्हारा विवाह हो पाता। अरे सुनो यार, आप कोने कतरे सबसे अपने बहन से जिससे न कहना उससे कहते रहते हो विवाह। अरे यार, ज्यादा लखाइती ना बता भला, नहीं भौंहू चल लूंगा। वो तो सुबह पता चलेगा। इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ, जैसी हमारी बारात पहुंच जाएगी, जब बड़े बड़े गोला, भौंहू चलने के लिए महाराज है, बड़े बड़े गोला बिट्टू, बड़े बड़े गोला मची है धड़ा। अच्छा, कहें बारात जनवा से आ गई तो गाँव की मेहरिया, गाँव की सयनुआ, गाँव की बुढ़िया गाँव में लगी हो लाला आती रहे पवन दुआर सुभागे बारे आते ले रहे राजा साहब, काफी तैयारी में हैं आप, विवाह नहीं हो रहा तो क्या सहितार में यही सब याद करते हैं? एक बात, नंबर है भौरी का। अच्छा, पंडित जी मंत्र पढ़िए, भौरी पढ़िए तो लड़का से कह दो लड़की के लिए देख। अच्छा, पहचान ले। हाँ, वही है कि दूसरी है। भौरी परी दुई, हाँ। तो लड़का से कह दो लड़की के लिए छुई, करंट है कि स्विच ऑफ है। भौरी परी तीन, तो लड़का से कह दो बिटिया के लिए चीन। भौरी परी चार, तो बिटिया का मिला बुखार, रजाई लाओ, कमर लाओ, जो भी लाओ। भौरी परी पांच, अच्छा, तो लड़का के सारे खुल के कांच खुल गई। भौरी परी छह, तो बिटिया का होला गई। भौरी परीसा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जब दुर्घटना घटी तो सब्जी पूरी बटी। भौरी परीसा तो क्या हो गया? भौरी परीसा तो बिटिया चिटिक के माई लड़के का पारे उधर रहो, जब एक लात मार देगी तो हम बीच में बमा के गिर जाएंगे। इसके बाद नंबर आई कलावा का, कलेवा का बोला हुआ आ गया, कलेवा का बोला हुआ आ गया। हाँ। जब कलेवा का नंबर आई भैया, तो जब मैं बिटिया के दाई ले दूठे रसगुल्ला प्लेट में मेरे पास आ जाई, ऐसे ऐसे ही लेके चली आई। अरे का जाना है, बूढ़ आदमी का जाना है। हाँ, ये भी बात है। लाई के मेरे सामने आ जाई, अब कहीं पच्चा खा लो, ओ लाला खा लो खा लो, मौत मार तो पूरे पतरी में फूंक धरते है, ना खाइयो, नहीं खाया, मना कर दिया। बुढ़ियों मारे शरमन के चली, शरम नहीं डर गई तुम दमा। फिर हम आए हैं ऊंची हैंडल वाली। ये कौन है ऊंची हैंडल वाली? अच्छा हाँ, हैंडल नहीं है सैंडल है। हाँ, ऊंची सैंडल वाली। भौहे का खरिहाना छिलाए, पाउडर पुपुकाए, लिपस्टिक ठासे, और कहीं हिप्पी कटिंग निकाले, और कहीं एक्सक्यूज मी जीजे जी प्लीज खा लीजिए ना, खा लीजिए ना। ए होश मा, ये बता मैं एक्सक्यूज मी खा ले हूं कि प्लीज खा ले हूं? मना खाई हूं, मना कर दिया यार, मना कर दिया, मना कर दिया। वो भी डर गए। सुनो सुनो राजा साहब, आप राजा हैं? राजा नहीं, कोई कोरी है क्या यार? तो सुनो, वो बहुआ भाई थे उनको बोतल दे दो, पानी भर रही है। लियो लाइव चल, लियो। राजा नहीं, एक कुकुर हो गया यार। राजा से तुमको तो लेबर बना दिया है? इसी में विवाह नहीं हो पा रहा है। जब राजा प्रजा से प्रेम करेगा, ये जो तुम कार्य कर रहे हो इससे तुम्हारी जो फिजा है वो बिगड़ रही है। बिगड़ने दो, कभी इस तरह बिगड़ेगी तभी तो कभी बनेगी यार। देखो ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, राजा से जो प्रेम करेगा, हाँ? आप बताइए इसका। जब राजा प्रजा से करेगी प्रेम तो प्रजा राजा से करेगा, ये बात ठीक है। कल राजा साहब सैंडल वाली चली गई, फिर क्या हुआ? इसके बाद जब वो चली जाएगी, मैंने मना कर दिया, तो हमारा गांव वाली देहात वाली जमुना किनारे वाली हमारी सारी आई। अच्छा, देहाती सारी, देहाती सारी खाए सन की बहायला, खा लो खा लो खा लो, मना खाइयो कौन जबरदस्ती का, मना कर दिया, उसको भी मना कर दिया, मना कर दिया। फिर क्या हुआ? तो बिटिया के महतारी
रोमे का मौसम मनाए, धोती का कोच आंखी में रग रग, अब कहीं बच्चा हीर खा ले लाला, खा ले ना, तुम हमने ले लाई कहू ना, तुम्हारे दे लाई कही लाला, आपकी बार सब इतना पत्थर गिर गया कि सब नास हो गया। मैं कहूँ कहे मुरही खाती सब बरी गया का, मैंने खाई हूँ। कहे बुलाओ ससुर साहेब का, तो हमारा ससुर साहेब वहाँ जनवास में गद्दा गिनने में लाग रहा था, तो कहें चलो तुम्हारा दमादरी साग है, तो कहें चलो। तो हमारा ससुर साहेब लंबी धोती पहने, लंबा कुर्ता, लंबे बढ़िया बड़ी बड़ी मूछे, चूना गुलोली, कान में खों से सुपारी का तरह, कुटुर कुट चुटुर चुट, कुटुर कुट चुटुर चुट, कहें कसे यार, कहें कसे यार। मैं कहूँ तय कसे यार, अरे वो भी डर गए, हाँ डरार हो गए, हाँ कहें क्या लेवोगे। मैं कहूँ क्या देवोगा, कहे दूध खाए का भैंस है। मैं कहूँ कहे अमूल डेयरी में ही खोले हो का, मैं न खाई हूँ। कहें न खाए तो सारे के बीजे पर नहीं मारो। मैं कहूँ खबरदार, कहो मोरे हाथ न लगाई, मैं सारे के पतरी दुन्ना सही चबा जाई हूँ। तुम डर गए क्या, उल्टा हो गया, हाँ फिर खा गए। यदि पहले खा लेते हो ना तो रूपानी लखाने जाऊं चली, इनका अपमान हो जाए। ये भी बात सही है। एक निवेदन है, जितने हमारे रड़ुआ बचे हुए कहीं तीस हिंस लेके हुए तक में, अब अगर फतेहपुर जिला में तुम्हारा बिया होते हो जाए, तुम चाहे कलेवा में जयबान मारा कहीं तो चल जाई, और तन को जमुना जी पार कही के वो पार पहुंचे हो, कहें महाराज स्टार्ट, तो स्टार्ट हो जाओ नहीं पर नहीं चले लागत है। अब हमारी बहनों को बुलाओ और हमारा शगुन करवाओ।